तो देखो बच्चों, ये 14 का सेकंड पार्ट है और ये काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखो। ये एक स्क्वायर है राइट, जिसमें बोल रहा है कि ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओ ए बी जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और बोल रहा है कि जो ओ सी डी है ना, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है हमें। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ये वाली साइड के इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, ये 60 होगा, ठीक है, ये 60 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है राइट, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब ध्यान से एक बात ध्यान याद रखो कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर होता है 90 का, पूरा 90 का होता है। तो बच्चों ये 60 है, तो ये वाला कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, तो देखो मैं बता देता हूँ। अगर ये 60 है तो ये 30 नहीं होगा, देखो ये 30 डिग्री नहीं हो जाएगा, ये 60 है तो ये 30 डिग्री नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, क्योंकि 90 माइनस 60 करूँगा तो 30 नहीं हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ, ये वाला जिसको मैं अब ऐसे मार्क कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल ले लूँ, तो सी पी सी टी, जब ये इन दोनों को मैं कॉन्गेंट कर दूंगा, तो सी पी सी टी से दो साइड में क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा। तो देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, अब मैं कर लेता हूँ इसको। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो भाई डी ए ओ, डी ए ओ इक्वल्स टू सी बी ओ, सी बी ओ एंगल ईच 60, ईच सॉरी 30, ईच 30 डिग्री राइट। और ये मुझे पहले से गिवन है राइट, ये मुझे गिवन है, ठीक है, कि ए ओ इक्वल्स टू ओ बी, ये क्या है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और देखो ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये क्या है बच्चों, साइड ऑफ स्क्वायर, तो ये तो इक्वल ही होती है। तो बच्चों देखो, एंगल साइड और साइड, तो एंगल साइड साइड से मेरा ये कॉन्ग्रेंट हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी बाय एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड। और अब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई डी ओ इक्वल्स टू ओ सी बाय सी पी सी टी। और अगर मैंने ऐसे कह दिया तो ये क्या हो जाएगा भाई, अगर मैंने ऐसे कह दिया तो ये हो जाएगा डी ओ सी, जो होगा वो एक क्या हो जाएगा बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, है ना। तो मैं लिख लेता हूँ, डी ओ सी इज आइसो एलियस आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बस ओ सॉरी, दो डंडे करना था, नीचे वाला नहीं, तो हो गया, बड़ा इजी था ये। तो 15 करते हैं लास्ट।